लेकिन कल की बात हो ही रही है, तो दो आईपीओ खुलेंगे कल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ भारत रोड नेटवर्क. भारत रोड नेटवर्क हमको पता है श्री इंफ्रा प्रोमोटेड ग्रुप है, लेकिन डिक्सन इनफैक्ट ये पहली बार हमने नाम सुना. और इंटरेस्टिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, लाइट्स, मोबाइल फोन्स वाले मार्केट में, यानी कि सबसे ज्यादा मांग इन्हीं चीजों की आजकल है. हाँ, नए तरीके का बिजनेस. और अच्छी बात यह है हर्षदा कि इनका कोई ऐसा लिस्टेड पीयर नहीं है. हाँ. और मुझे इस कंपनी में एक चीज जो अच्छी लग रही है कि बिजनेस मॉडल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ तगड़ी है. और जिस तरह से बहुत कम हिंदुस्तानी कंपनियां ऐसी जो चाइनीज कंपनी को टक्कर देने की ताकत रखती है. और कल भी मैं कुछ कॉन्फ्रेंस में 3-4 फंड मैनेजर के साथ ऐसी बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा स्ट्रॉन्ग है. बोले कंपनी है 2,500 करोड़ की, लेकिन जो जिस तरह का वो बात करते थे कि 10 या 15 करोड़ की कंपनी हो, उस तरह का एकदम प्रोफेशनल मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी की स्कोप है. एक और अच्छी बात जो इस आईपीओ में मुझे दिख रही है हर्षदा, वो ये कि कहने के लिए आप कह सकते हैं बहुत महंगा है, 1766 ऊपर का, यानी कि कह देंगे एक्चुअली उन्होंने बैंड का चक्कर रखा ही नहीं. 1766-1766 एक ही प्राइस हो गई, 1700 रुपए की प्राइस में 6 रुपए का कोई फर्क नहीं होता. लेकिन तो इसका मतलब बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन छोटी इक्विटी होने की वजह से 1766-1766 रुपए में भी ये आईपीओ बहुत अट्रैक्टिव है. तो मेरा ये मानना है कि डिक्सन ऐसे कंपनी है जहां पर आप आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी दोनों ही तरह से पैसा लगा सकते हैं. एक और चीज बताऊं कि मोतीलाल ओसवाल का प्राइवेट इक्विटी ग्रुप जो है उनका जो वो प्रमोटर है, उन्होंने भी इसमें 24% से ज्यादा स्टेक ली, शायद थोड़ी बहुत वो बेच रहे होंगे मेरे ख्याल से इस आईपीओ में. लेकिन अच्छी परसेंटेज है, अच्छे प्रमोटर हैं, अच्छा बिजनेस है, वैल्यूएशंस में जगह रखी है, तो ये एक मस्ट अप्लाई आईपीओ, पैसा लगाना ही चाहिए इसमें. चलिए, तो मैं आपको ये भी बता दूं, 600 करोड़ कंपनी रेस कर रही है, डेट रिडक्शन और एक एलईडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की तैयारी है, और उसी के लिए ज्यादातर पूंजी का इस्तेमाल किया जाएगा. लेकिन